वीडियो में हम लोग बात करेंगे 67th बीपीएससी की तैयारी के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है बीपीएससी का कैलेंडर आ चुका है और 67th का जो प्री है वो आपका अक्टूबर मंथ में प्रस्तावित है कैलेंडर में जैसा दिया हुआ है। और आप लोग को ये बात भी समझ लेना चाहिए कि बीपीएससी जो है बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो गया हुआ है, जो उसने एक बार डेट निकाल दिया उसी डेट पे पेपर होके रहता है। तो अब आप लोगों के पास जो है टाइम नहीं है कि आप लोग इंतजार कीजिए कि अब तैयारी एक महीने बाद शुरू करेंगे या दो महीने बाद या फिर आराम से करेंगे। ये एकदम सही टाइम है जहाँ से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हूँ आपको कि आप लोग एकदम जीरो से कैसे तैयारी स्टार्ट करें। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो वो लोग कैसे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब इसी तरह के 67th बीपीएससी के लिए जो है वीडियोज आते रहेंगे मेरे इस चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको बता दूं, जो भी नए कैंडिडेट्स हैं जो कि मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि आपको 67th बीपीएससी में अपीयर होना है, तो आप लोगों को अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, अब पढ़ाई कर लेनी चाहिए। कुछ बुक्स का नाम यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि बेसिक है और जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अब जाइए मार्केट और ये बुक्स ले आइए जा करके। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो देखेंगे कि तीन सब्जेक्ट जो है बीपीएससी प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तीन सब्जेक्ट में जो है आपका सबसे पहला जो है वो होता है हिस्ट्री, दूसरा साइंस और तीसरा करंट अफेयर्स। ठीक, तो इसके लिए जो है आपको हिस्ट्री में, अगर हम एक मिनट के लिए एंशियंट और मेडिवल को साइड कर दें, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ अकेले मॉडर्न से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको आँख मूंद के बस और बस एक बुक लेना है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। ये देखिए ये वाली बुक, ये बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की। ये स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की है, राजीव अहिर इसके राइटर है, स्पेक्ट्रम नाम से ये फेमस है। आप जाके किसी भी बुक स्टॉल पे बोलेंगे कि मुझे स्पेक्ट्रम की बुक चाहिए तो आपको ये बुक मिल जाएगी और आप ये बुक ले आएंगे। तो ये वाली जो बुक है मेरी पुरानी है थोड़ी, लेकिन अभी जो नई बुक आ रही है उसका जो ये कवर है वो ग्रीन कलर का हो रहा है। तो आप जाके दुकान पर कन्फ्यूज़ ना हो, आप ये बुक ले आइए और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। बाकी एंशियंट और मेडिवल के लिए मैं आपको आगे बताऊँगी, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है, और साथ में इसके घटना चक्र को भी आपको देखते रहना है, लेकिन पहले आप ये ले आइए। और दूसरा जो है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है साइंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस के लिए करना क्या है आपको, कुछ नहीं, आप ये घटना चक्र वाली बुक ले आइए साइंस के लिए, जनरल साइंस की, या फिर जिनके पास डोसेंट वाली बुक है जनरल साइंस की उसमें कंफर्टेबल है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला बुक कहूँगी कि आप ले आइए, क्योंकि वो जो बुक है थोड़ा मुझे ना बहुत कॉम्पैक्ट टाइप का लगता है, बहुत महीन महीन लिखा हुआ है, ये वाली बुक बहुत अच्छी है। तो आप ये ले आइए जनरल साइंस के लिए, और बाकी करंट के लिए आप कोई एक मैगजीन पढ़ना शुरू कर दीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, या फिर आप बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है, वो मैगजीन अभी से आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि लास्ट 6 मंथ बीपीएससी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से करंट के क्वेश्चंस आते हैं। तो फिलहाल ये जो है बेसिक बुक्स है, बेसिक तैयारी जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप अभी ये शुरू कीजिए। बाकी के सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पॉलिटी से है हो गया, जियोग्राफी से हो गया, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल भी आपको पढ़ना होगा। तो इन सब के बारे में मैं आपको अगले वीडियोज में बताऊँगी, जो भी वीडियो मेरे आएंगे, अभी ये सीरीज चलता रहेगा 67th की तैयारी के लिए, तो इन सब के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी बाकी डिटेल में। फिलहाल अभी आप जो नए अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी का सोच रहे हैं, वो लोग इससे तैयारी शुरू कर दीजिए, और अगर आपके माइंड में कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल अभी आप यहाँ से तैयारी स्टार्ट करना कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ बातें समझ में आ गई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले इसी तरह के किसी नए टॉपिक के साथ, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, तो फिर मैं नए वीडियो में मिलती हूँ। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।